सर, वक्री ग्रह। सर ये दो प्लेनेट एक ऐसे प्लेनेट है जो सदैव वक्री रहते हैं, सबको बताइए सर। सर? सदैव वक्री रहते हैं सर ये दो ग्रह, ऐसे ग्रह हैं हमारे। सर क्या ये वक्री होते हैं? नहीं, 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 अभी ये वक्री नहीं। ठीक है सर, इसके अलावा बच गया सर, हमारा ये भी वक्री होता है, हमारा ये भी वक्री होता है, हमारा ये भी वक्री होता है, हमारा ये प्लेनेट भी वक्री होता है, हमारा ये प्लेनेट भी वक्री होता है। सर आ गए हैं सारे प्लेनेट क्या? जी ये प्लेनेट क्या सर हम लोगों के वक्री होते हैं। ठीक है सर, अगर इन प्लेनेटों की इसमें हम लोग बात करें, तो सर इसमें हम लोगों का सबसे पहला प्लेनेट लेने लगी हूं मैं इधर सैटर्न। सैटर्न यदि हम लोगों के चार्ट में वक्री है, पास्ट लाइफ के कर्मों का बहुत बोझ है, नेटिव बहुत मेहनत करता है, पास्ट लाइफ के कर्मों का बहुत बोझ है, नेटिव बहुत मेहनत करता है, शनि अपने कर्मों को पूरा करने के लिए सर आपको 3 चांस देगा। सर प्लीज मुझे क्लियर करिए, कोई की 3 चांस क्यों देगा? मैम, अपनी लाइफ में 3 बार ही आएगा शनि। 3 साइकिल्स होते हैं ना, 0 से 30। नहीं सर, नहीं 3 साइकिल क्या? आप मुझे ये बताओ, जब तक जीवित है 2.5-2.5 साल नहीं चल रहा क्या वो? अपनी लाइफ नहीं में पूरी बार 3 ही बार आ पाएगा वो। तो हर हाउस में तो 2.5 साल में पहुंच ही जाएगा। प्रवीण सर प्लीज बोलिए। सनी, लाइक सैटर्न इक्वल्स ऑन द डिग्री हाँ एंड ही मूव्स फॉरवर्ड, कम्स बैक, ही मीट्स द सेम डिग्री बिल्कुल ठीक अगेन। बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे So, 3 chances will be given. Yes, हैं। 3 चांस हम लोगों को इसलिए मिल जाते हैं, शनि जिस डिग्री पर हम लोगों का वक्री हुआ है, वक्री हो गया मैम, बैक चला, दोबारा से आया उसी डिग्री पर, फिर वो आगे चला, तो कितने चांस हो गए मैम हमारे? 3 चांस हो गए। sir. इसलिए हम लोग बोलते हैं शनि जब भी वक्री होता है हम लोगों का, तो ये हम लोगों को अपने कर्मा को ठीक करने के लिए 3 चांस देता है। और मैं मानिएगा, देता है। किस चीज के लिए देगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर रही हूं अब आप लोगों का। कर्मा किस चीज के लिए बैलेंस है, कर्मा किस चीज के लिए बैलेंस है? कर्मा सीधा समझ में आ रहा होगा मैम, क्योंकि शनि है, शनि हमारा कर्म कारक हो गया। कर्मा किस चीज के लिए बैलेंस है? जुपिटर से सैटर्न मैम, क्योंकि BNN कर रहे हैं तो BNN में प्रेडिक्शन जुपिटर से होगी हमारी। जुपिटर से जी सैटर्न किस राशि में प्लस किस भाव में बैठा है, उसके प्रति आपका कर्म है। सर जुपिटर से सैटर्न किस में? यार 11। सर सबसे पहले एक चीज क्या मिल गई है आशुतोष सर हम लोगों को? सेवन, सातवीं राशि दस राशि मैम, कर्मा बताइए व्यक्ति का किस किसके प्रति हो गया, किस बच्चों से प्रति, किस एक के तो प्रति इनकम के मैम? लिए हो गया और एक उसके लिए हो गया, स्पाउस के प्रति। सर देखो, स्पाउस के लिए इनकम के प्रति ना कोई कर्मा नहीं है, जो कर्जा हो गया है ना लोगों से मिलने सोशल जुलने के प्रति हो गया है, आपने लोगों का सर्कल। देना है, लोगों से मिलना जुलना है ना सर, कहीं ना कहीं 7,000 लोगों का, 11th हाउस अपने दोस्तों और आपके बड़े भाई के प्रति आपका कर्मा बैलेंस है। 3 मौके देगी कुदरत आपको उनको कंप्लीट करने के लिए, फिर भी बंदा नहीं समझ पाता, कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है कि भाई अब लोग इस तरीके से करने लग गए हैं, उस तरीके से करने लग गए हैं। भुक्त भोगी इंसान कौन? मैं सामने भी कबूलूंगी, किस लिए? अब लोग ना सर इस तरीके से वीडियो करने लग गए हैं, सर लोग ना इस तरीके से वीडियो करने, बोलती हूँ ना सर जी अपने व्यापार पर, क्यों सर इसमें क्या चीज है? हम जो करेंगे उसको बोलने में क्या इतराज है? ठीक है, 7th ईयर सर लोग वीडियो को बहुत इस तरीके से घुमा ले। मैम कितनी बार, 2-3 बार सुन लिया मेरे मुंह से लफ्ज आप लोगों ने? सर, कर्मा है मैम, वो रिपीट हो रहा है, मेरा तो कर्मा है, मुझे करना है उसके प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग डगमगाते हैं। देखो ऐसे डगमगाते हैं, सैटर्न रेट्रो है मैम यहाँ पर बैठकर। किसके प्रति कर्मा है मैम? बड़े भाई तो नहीं है मैम, अपने दोस्तों के प्रति है कहीं ना कहीं, और किसके प्रति है मैम? 7th, लोगों से मिलने जुलने के प्रति कर्मा है मैम, वो पूरा करना पड़ेगा, है कर्मा क्योंकि लेकर बैठी हूं ना।
अपना बताइए किसी का, मुझे अगर सैटर्न रेट्रो है तो प्लीज बताइए, मैं आप लोगों को भी बता। मैम मेरा सैटर्न रेट्रो है, जुपिटर इज इन जेमिनी मतलब मिथुन राशि में है, सर मुझे हाउस में लिखवा दो एक बार प्लीज, जुपिटर है 12th हाउस में है जुपिटर, ट्वेल्थ हाउस में आपका जुपिटर आ गया सर, 3 नंबर की राशि थ्री में सर, नंबर और ठीक फाइव है नंबर पे जो सैटर्न रेट्रोगेट है, थर्ड यहाँ पर ही बोल रहे हैं आप हाउस मुझे, सेकंड हाउस में। हाँ यहाँ पर बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी सैटर्न रेट्रोगेट है। आपने बोला सैटर्न रेट्रो है। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले सर प्लीज मुझे हाउस निकाल कर बताइए, यहाँ पर सैटर्न रेट्रो है तो 1 2 3 तीसरा घर हो गया थर्ड सर। हाउस हाँ जी सर किसके प्रति आपका कर्मा हो गया, आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आपका कर्मा बैलेंस है कहीं ना कहीं सर, हाँ जी ठीक है, और चौथी पड़ोसी छोटे बहन पड़ोसी, भाई इनके प्रति कहीं ना कहीं लोग ना मना भी करते होंगे सर कहीं ना कहीं, या कभी घर में इस तरीके की बातें हो जाती होंगी, सामने वाला मना करते, जब तुझे पता तेरे साथ इस तरीके कर देता है फिर भी वो कहीं ना कहीं सामने आता है और आप जाते हो उसका काम करने, चाहे वो पड़ोसी रहे चाहे वो कोई भी रहे। अब इसके बाद में अगर बात करी जाए सर ये कहाँ पर है, फिफ्थ हाउस, कर्मा किसके प्रति बैलेंस हो गया है सर, आपके बच्चों के बच्चों प्रति, बच्चों में भी अगर आपको बोला जाए आपके पहले बच्चे के प्रति आपका कर्मा बैलेंस, प्रकृति 3 चांस देगी आप लोगों को ये चीजें निपटाने की, भक्ति जरूरी है इसमें, भक्ति शनि वक्री जब ही तो बात बनने वाली है, नहीं जब तो वक्री बात नहीं ही है क्या है, तो वक्री के प्रति रूल है हमारा। अब जो मैंने मैम अगर चैप्टर स्टार्ट किया है, एक एक मिनट सर, एक मिनट, जो चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, ये रेट्रो का चैप्टर स्टार्ट किया है मैम मैंने, हाँ अभी मैं और मैम प्लेनेटों का इसमें भी देख, जुपिटर भी रेट्रोगेट है अभी रुको ना मतलब सर रुक इसमें जाओ 2 मिनट रुको, अभी सिर्फ शनि, अभी मैं सारे प्लेनेट ले मैम ली, अभी एक एक करके लूंगी, हाँ सर ठीक है, जैसे कि हम एक ही यहाँ पर, बॉक्स में हो मैम मुझे बात नहीं समझ में आई क्या बोल रहे हैं आप, मैम, सैटर्न और जुपिटर एक बॉक्स में भी होते हैं ना हाँ मैम? तो ठीक है कुछ नहीं होता ना, फर्स्ट हाउस हो गया कहने का मतलब, अब राज साइन देखो मान लो ये होते हैं तो इनका जुपिटर सैटर्न यहीं पर ही हो गया, तो हाउस फर्स्ट हो गया और राशि 4 हो गई, किसके प्रति, स्वयं और माँ के प्रति, ठीक ठीक है ना, ये अपने घर वालों के प्रति सर, है इसमें मैम, ये अभी कह भी सकते हैं ना प्लेनेट सेकेंड रेट हाउस रोज में ज्यादा हो मैम कुंडली में तो बहुत ज्यादा। अभी सर, सर अभी प्लीज रुक 2 मिनट के लिए रुक जाओ बस, मैम एक छोटा सा क्वेश्चन, सेकेंड अगर हाउस इस में पे अगर रेट्रो सैटर्न पर वो एक बात है ना तो प्लीज करो, अभी मैं सारे प्लेनेट का बता रही हूँ, एक एक करके सब पर आ जाऊंगी सर, हाँ एक और सेकेंड एग्जांपल, हाउस में मैम रेट्रो हुआ है सैटर्न 4th हाउस में है, वक्री राशि सैटर्न, 12th सैटर्न है। 4, सबसे पहले तो ये गिनिए वो जुपिटर से कौन सा हाउस है, पहली बात तो ये, फोर्थ 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 तो जुपिटर से 4th हाउस में सैटर्न बैठा आप ऐसा ही बोल रही हैं मुझे, चलिए हाँ जी हाँ जी मैम साइन बताइए सैटर्न जिस साइन में बैठा है, 12th 12, तो अब ये बता दो इन घर के व्यक्ति कौन होते हैं सर, मातर हो गया तो और कौन हो मातर गई है यहाँ पर, किसी अजनबी की भी मदद करनी पड़ सकती है, अजनबी है सर, 12वां है ना, अजनबी है, अननोन यदा दी नानी वाली बात आ गई है सर हमारी, अननोन मैम इनके एक प्रति, हाँ रिपोर्ट 12, मैम अगर एक एक करके बोलोगे ना तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा, बीच बीच में ठीक सर है बोलते चलिए मुझे नहीं मैंने समझ इतना में बता आता, दी ठीक ठीक है, या तो हैंड रेस कर लो, मैंने उस दिन भी बताया था, तो मैम ये हम लोग है करते हैं, और सर ये चीज मानना गलतियां होंगी, हम लोग मना कर देते हैं कहीं ना कहीं, होती है गलतियां सर, हम सबसे जुपिटर से बड़ी अगर एट है, जुपिटर से एट है फोन मैम पहले तो ये और साइन आपका साइन नहीं चल जी सैटर्न का बोल रही हैं आप, मुझे पहले तो ये बताइए सैटर्न जुपिटर से एट में है ठीक और है, साइन साइन है 10 है मतलब 10, मैम 10 में अगर हम लोगों का कौन आ गया है, यहाँ पर हम लोगों के पिता की बात भी हो जाती है, लॉस ठीक है, और देखा जाए ये हम लोगों के इन लॉज हैं, तो कर्मा किसके प्रति है, कहीं ना कहीं अपने कर्मा, ये तो कर्म का भी घर है और पिता, ये दो करता जनों के प्रति आपका कहीं ना कहीं कर्म है, और कई बार करते भी होगे तो कई बार डगमगा भी जाते होगे थोड़ा सा इस चीज से ना, होता है डगमगाता है क्योंकि इंसान डगमगाएगा, और ये 100% बिल्कुल क्लियर है, आप इसको जितने डगमगाए हो, हाँ जी डगमगाए होंगे, बिल्कुल डगमगाते हैं सर, कई सारे चार्ट पर देखा सर, बहुत अच्छा काम करता है, अभी सिर्फ सैटर्न से बात करेंगे, आगे धीरे धीरे सारे प्लेनेट आ रहे हैं, मैम, जिनकी रेट्रो नहीं है मैम वो भी तो डगमगाते ही है ना इंसान। मैं बिल्कुल डगमगाते, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ इस बात के लिए, लेकर लेकिन जो प्लेनेट रेट्रो है वो 3 बार देखो उसी डिग्री पर मिल रहा है ना हमारा, यस मैम इस वजह से हमने तीन चांस बोले, जीरो वहां पर हम लोग 3 चांस की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो यस निकलेगा ही, देखो वो तो आपका डायरेक्ट है ना, मैम। इस वजह से ये वाली बात हो रही है हमारी, मैम अपना मैं टॉपिक ये प्लीज बोल रही कंप्लीट थी, कर दीजिए, मैं मैंने मैम हैंड रेस, टॉपिक प्लीज कंप्लीट कर दीजिए, फिर क्वेश्चन लीजिए, सबको म्यूट कर चलिए दीजिए सर मैं अभी ये सैटर्न की ही बात कर रही हूँ, मैंने सिर्फ सैटर्न समझाया है, अभी सैटर्न में जी। किसी को इशू है तो प्लीज क्लियर करिए, उसके बाद मैं और मैम समझाऊंगी, मैम मुझे प्लीज पूछना है, मैं ये पूछ रही हूँ कि
मैम एक तो प्लीज इसके यहाँ से आपकी आवाज तो मुझे आ रही है लेकिन पीछे से किसी की आवाजें आ रही है। मैं बाहर हूँ तो थोड़ा सा दो मिनट खाली। बोलो 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 रूपाली। मैं ये बोल रही हूँ कि जो सैटर्न है तो सैटर्न बैठा है मान लीजिए 8th हाउस में और बकरी हो गया है तो वो जहाँ पे बैठा है वही हम देखेंगे ना मैम। हाँ हाँ बिल्कुल वही देखेंगे, ऐसा नहीं कि भी बकरी होकर पीछे के रिजल्ट देता है वहाँ देखेंगे ना। हाँ राशि में बैठकर वो बकरी हुआ है उसी में ही देखना है मुझे, और फिर जुपिटर से वो कौन सा हाउस है। ठीक है मैम, बस उतना ही कंफ्यूज हो रही थी। ओके मैम सर सभी का सही अभी तक, अब चलूं आगे। मैडम शनि अगर एरीज में हो फर्स्ट तो उसमें अपने अपने क्या होंगे उसके कर्म? सेल्फ के प्रति कर्म है सर, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता है, अभी कर दूंगा ना छोड़ना, अपने लिए कहीं ना कहीं वो डगमगाता है, चल छोड़ सबका हो गया ना, मुझे मिले ना मिले, मेरा बने ना बने, ये वाली बातें करता है ये व्यक्ति। ठीक है सर, और ये करेगा। ठीक है चलिए सर, सैटर्न का कोई डाउट तो प्लीज क्लियर करिए, आगे चलो। अगर जुपिटर हमारे चार्ट में वक्री है, जुपिटर हमारे चार्ट में वक्री है, रिलीजियस वर्क पब्लिक एक्टिविटी के प्रति आपका कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस है, अगर मंगल वक्री हो गया है सर चार्ट में आपका, तो किसके प्रति कर्मा आप लोगों का बैलेंस रह गया है? छोटे भाई या हस्बैंड? बिल्कुल मैम, लैंड लैंड हस्बैंड ब्रदर छोटे बेटे, हम्म, इसके प्रति आप लोगों का कर्मा बैलेंस है। जो ये शनि है ना, ये शनि कारक ही कर्मा का है, इस वजह से कर्मा को हमने तीन घरों में घुमाया। अब आप मुझे ये बताओ, जुपिटर तो स्वयं का कारक है, ये कोई कर्म थोड़ी ना है, ये कोई कर्म थोड़ी ना है, उस चीज का कर्मा है वो कि इसके कारक कौन है। अब मंगल को घुमाने का मतलब क्या है मैम ये बताओ ना, ये कोई कर्मा थोड़ी ना है, इस चीज के प्रति आपका बैलेंस है। मंगल व्रत वही मैंने बोला जो वीनस सिस्टर हो गया, आपका वाइफ हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, इनके प्रति आपका कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस है। शुक्र से गर्लफ्रेंड भी ले रहे हैं आप? हाँ मैम ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की है, आएगा तो वैसे मरकरी में मैम, खासकर अगर देखा जाए तो मरकरी में ज्यादा आएगा। मरकरी आ गया तो सेम मैम गर्लफ्रेंड ही लिख सकते हो उसमें भी आप लोग। हम धन भी लिखते हैं, धन के प्रति कुछ ऐसा वेल्थ बोल सकते हो मैम कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर उन चीजों को लैंड उसमें लिया गया थोड़ा सा वेल्थ के प्रति कहीं ना कहीं वो चीज, लेकिन जब वीनस रेट्रो होता है ना तो वेल्थ अच्छी देता है। बता लो अगर किसी के चार्ट में सैटर्न या वीनस या मरकरी इनमें से कोई प्लेनेट वक्री है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा फल देंगे। समझ में आया मैम? अपने कैरेक्टर के हिसाब से, शनि का कैरेक्टर कैसा है, मैलेफिक प्लेनेट है, धीरे करके देगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। वीनस की प्रवृत्ति अच्छी है क्योंकि हम शुक्र ग्रह मानते हैं सर, सेम मरकरी भी हम अच्छा मानते हैं। वीनस यदि किसी के, बोलो सर बोलो। हाँ मैम, मंगल मैलिफिक हुआ तो मैम तो वो भी अच्छे फल नहीं देगा, राइट मैम? दो मिनट बस। यदि सैटर्न सैटर्न मार्स दोनों ही किसी के चार्ट में वक्री है तो दोनों कौन हो गए सर? मैलिफिक हो गए हैं। दोनों मैलिफिक यदि वक्री हैं तो लाइफ में बहुत दिक्कत व परेशानी देंगे। सैटर्न और मार्स दोनों ही किसी के चार्ट में वक्री है तो लाइफ में दिक्कत परेशानियां देंगे। अब सर किसी की यहाँ पर हम लोगों का सैटर्न वक्री हो गया और हमारा वीनस वक्री हो गया, सर देखो कहीं ना कहीं दिक्कत है तो ठीक भी है, ठीक भी, मैलिफिक वक्री हुआ और एक बेनिफिक वक्री हो गया, ये चीज अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो देंगे ना, जैसी इनकी प्रवृत्ति है। मैलिफिक या बेनिफिक जब भी वक्री होते हैं अपने अपने कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं, चाहे मैलिफिक प्लेनेट रहे चाहे बेनिफिक प्लेनेट रहे, जब भी वक्री होंगे
अपने कारक तत्वों को बढ़ा देंगे। सर काफी अच्छा आने वाला है आपका ये रेट्रो का चैप्टर, बहुत अच्छा है। अभी तक ये सर ये सब बातें या तो सुनी है सर आप लोगों ने, करी है मैम? अपने अपने तत्वों का आगे क्या बोला? बढ़ा देते हैं अपने कारक तत्वों के रिजल्ट को आगे। सर कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह मतलब कौन सी बात सर, ये चीज समझ के चलना। अब जो हमारा चैप्टर है रेट्रो है, तो कोई भी ग्रह का मतलब सर वक्री ग्रह। कोई भी वक्री ग्रह जिस हाउस या जिस भाव में बैठा है वहां के तो फल देगा ही देगा, लेकिन जहां का वो कारक है वहां के भी फल देगा। ग्रह यदि वक्री है तो जिस भाव में वो बैठा है वहां के तो रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन जिसका कारक है वहां के भी फल देता है। एग्जाम्पल के लिए किसी के चार्ट में मैम मंगल वक्री हो गया, तो इसका नरसैगिक घर कौन सा हो गया मैम हमारा? 1 और 8। ध्यान से बोलिए सर, पक्का घर कौन सा होता है इसका? दशम भाव, 10th हाउस। थर्ड हाउस का भी फल देगा। ये कंडीशन तब कैसे अप्लीकेबल है मैम? रेट्रो के चैप्टर में अप्लीकेबल। और ये मंगल कहां से? जहां पर भी चार्ट में मेरा, एग्जांपल के लिए मेरे चार्ट में मंगल वक्री हो गया, जहां पर भी मंगल बैठा है वहां से 3 कदम। थर्ड हाउस की बात करी है ना मैंने? 3 कदम। थर्ड हाउस तो मतलब 3 कदम, तो तीसरा ही हाउस आ गया ना। हाँ यस सर। ठीक है, इसके बाद लेकर करवा देती हूँ कैसे। अगर किसी के चार्ट में मरकरी रेट्रो है तो बुध रेट्रो हो गया सर, अपने से 4th। अगर जुपिटर रेट्रो है तो 5वें। संतान का कारक कहते हैं ना मैम आप लोग, जी मैडम, क्लियर। 5th बोलते हैं ना, तो 5th कहां से? 5th की बात करी जा रही है, लेकिन सर यहाँ पर जहां पर जुपिटर बैठा है पीछे से नहीं गिनना सर, कि आप अगले घर से गिनने लग जाओ कि भाई रेट्रो यहाँ पर हो गया तो हम पीछे से गिनेंगे, नहीं सर आगे से गिनेंगे। वीनस 7th हाउस, सैटर्न 8th हाउस। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई चार्ट लगवाना है तो प्लीज बोल दो। राहु केतु जहां लगा प्लीज लगा राहु केतु जहां बैठे हैं वहां का ही फल देंगे। एक मिनट प्रवीण सर, एक उस राशि का फल देंगे जिस, हाँ जहां जहां पर बैठे हुए हैं। अभी मैं राहु केतु का चैप्टर आगे आएगा, किसको राशि के लिए लेना है सर, किसको हाउस के लिए लेना है। ठीक है, अभी सब आप यही लिखिए। प्रवीण सर अब आप बोल दीजिए। फॉर मंगल व्हाई इट इज दैट हाउस में? मंगल 3rd हाउस के सर? या व्हाई दैट हाउस में? नहीं समझी मैं सर, वाइफ का 3rd हाउस आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं, व्हाई यू चूज़न द दैट हाउस फॉर मंगल मैडम? तीसरा हाउस क्यों ले रहे हैं मंगल का, ये पूछ रहे हैं सर। मंगल का पक्का घर है तीसरा घर? ओके ओके मैम, एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम लाल किताब, मंगल का पक्का घर 3rd हाउस से। सर वैसे भी फिर भी उसके वही हो जाते हैं ना। अब किसी के चार्ट में कौन सा प्लेनेट रेट्रो है तो पहले तो मुझे ये चीज क्लियर कर दो। इसमें 3 नंबर है लगन। कुछ नहीं होता है कौन सा भी मंगल, मंगल 3rd हाउस का पक्का घर इसीलिए हुआ ना। हाँ बिल्कुल सर, आपका कौन सा प्लेनेट रेट्रो है पहले तो मुझे ये बताओ। मैम मरकरी और सैटर्न। मरकरी और सैटर्न रेट्रो। अब आप मुझे बताइए मरकरी कहाँ लिखा है पहले तो ये बताइए। मैम 4th हाउस में मरकरी है और 8th हाउस में सैटर्न। सर सबसे पहले हम लोग मरकरी से बात कर लेते हैं। सर मरकरी मुझे 4th घर के रिजल्ट देगा, जी 4th घर के रिजल्ट देगा। और मरकरी के आगे हम लोगों ने क्या लिखा है सर? 4, तो 8। ठीक है मैम, यस मैम। एट्रीब्यूट लगाने हैं बस। अब शनि की अगर बात करी जाए
तो सर हम लोगों का क्या होता है, लॉन्जिटिविटी होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं आठवां घर भी आ गया। ठीक है, शनि यहाँ पर आठवें गए, तो आठवें से आठवां सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या चीज की बात कह रहा है शनि, मैं ये तुम्हें दूंगा ही दूंगा। क्या चीज सर, आठवें की बात और ये तीसरा। ये सर हम लोगों का ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की तरफ कुछ इशारा कर रहा है शनि। शनि हाँ जी, कारक किस चीज का है, कर्म का कारक है। तरफ को शनि का कुछ इशारा है। भरोस। और अगर बात करी जाए मरकरी, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं टीचिंग कहता है, तो ये क्या बोलता है मैम, चौथा घर हम लोगों का, घर पर बैठकर आप काम कर सकते हैं पार्टनरशिप में, यही वाला तो सही रहेगा मैम। चलो ठीक रहे। इसमें मैडम वो फिर राशि को नहीं लेंगे, जैसे शनि पिछले में राशि बताया था। हाँ नहीं नहीं ले रही सर, इसलिए मैंने बोला छोड़ दो, आप मुझे ये बता दीजिए आपका ये प्लेनेट कहाँ बैठा है बस। ठीक है सर, हम लोग एक मिनट एक मिनट, हम लोग जो कंसीडर करेंगे यहाँ पर हाउस को कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, मैंने ये चीज इसी वजह से, वो जो उठाना होगा तो मैं अपने आप उस चीज को उठा लूंगी सर, मैं अपने आप उठाती चल रही हूँ। कहाँ पर क्या चीज, कहाँ पर क्या चीज, आप लोगों को कहीं वो नहीं आएगा। ठीक है सर, राशि से हम कर्मा में देखेंगे, इससे वैसे देखेंगे। उससे ही तो हम लोगों का कर्मा ज्ञान होगा, इससे ही कर्मा थोड़ी ना है सर हमारा, अगर देखा जाए तो ये जो इसके प्रति रिजल्ट कहीं ना देगा। कहीं। हाँ, वो चीजें। हाँ मैम, जुपिटर थर्ड हाउस में रेट्रो है, मरकरी 10th हाउस में रेट्रो है। 2 मिनट मैम, एक एक करके प्लेनेट ले लेते हैं। जुपिटर आपने जुपिटर बोला रेट्रो है, ठीक है। अब मैम मैं, दोनों ही रेट्रो हैं, जुपिटर और मरकरी। ओके, पांच ये हमारा 1 2 3 4 5, 7th हाउस आ हमारा गए। 3 और 7 के रिजल्ट आ गए। मुझे हर किसी के लिए 7 थोड़ी ना बनने वाला है, मैम हर किसी के लिए वो चीज थोड़ी ना बननी। अब मरकरी कहाँ पर बोला है आपने मुझे, 10th में, 10th हाउस में, एक सेल्फ में आ गया, 10 और 1। ये चीजें बहुत इशारा करती हैं सर हम लोगों को। जो प्लेनेट हम लोगों के रेट्रो हो रहे हैं ना, वो किसी हाउस को लेकर रेट्रो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति ना हमसे कुछ हो रखा है। मैम इसको अब बस इसी थोड़ा सा, क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आगे को गलतियां ना हो। ठीक है सर, ये हमारी ग्रोथ करवाने के लिए आए हुए हैं इन घरों की, लेकिन ध्यान में रखना है, क्योंकि किस लिए रेट्रो हुए हैं, क्योंकि पीछे से किसी ने आवाज मारी। अब सर आपको आवाज कोई कब मारेगा आशुतोष सर, अगर मैंने आपसे कुछ ले रखा होगा, मैं वैसे ही निकल कर जा रही होंगी, मैं आपको कुछ नहीं ले रखा होगा ना तो मैं आपको राम राम भी करूंगी, कुछ ले रखा होगा ना तो मैं चुप करके निकलूंगी, आप क्या करोगे। मैडम जरा बात सुनना, पीछे से आवाज मारोगे तो मुझे पलट कर देखना पड़ेगा। सेम चीज प्लेनेट पर भी आधारित है, पीछे से आवाज मारी गई है इन घरों के प्रति, है ना कुछ आपका। आप बस संभल जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर ये वही घरों से, एक एक मिनट सर प्लीज क्लियर कर दो थोड़ा सा। अब उन्हीं घरों से जुड़कर आप कल को काम कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो सर कारण आपके सामने है, क्या जी गलतियां कर रहे हैं, वही चीजें हैं। अभी सर बोलिए क्या बोल रहे थे। मैम, ये रिजल्ट रिजल्ट कब देगा मैडम? जैसे जुपिटर एक्टिवेट होगा तब वो अपने से फिफ्थ को बिल्कुल दे। सर, जब ये जुपिटर एक्टिव है तो हमारा कहीं ना कहीं ये प्लेनेट एक्टिव है। एक्टिव, अब ये तो हम लोगों को पता है, ये मिला हुआ है, रिजल्ट देगा सर कब कब रिजल्ट देगा हम लोगों का, ट्रांजिट में आकर, ट्रांजिट ट्रांजिट या प्रोग्रेशन। में अपना प्रोग्रेशन, बस वही चीज है ना, रिजल्ट कब देगा। अगर बात करी जाए, ये जुपिटर की बात आ रही है सर, जब मेरा जुपिटर स्पेशली यहाँ आ जाए, स्पेशली यहाँ आ जाए, समझ रहे हो सर, एक्टिव है, फुल एक्टिव है, अपना फुल मोड में, ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। क्या यहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा सर, देगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भूकंप आया तो हल्के हल्के झटके जो दूसरी जगहों पर लगते हैं ना, ये वो झटके हैं, ये सबसे बड़ा झटका सर, ये उससे थोड़ा कम झटका, ये सर सबसे कम झटका, ये वो ठीक वाला। ठीक अभी भी किसी का डाउट है तो प्लीज ये क्लियर कर है मैम। शनि अगर 10th में 10th में शनि है, शनि का वक्री, का, शनि शनि वक्री 8th हाउस में बैठे हैं, तो ठीक है, वहां से काउंट करना पड़ेगा 8, ऐसा मैम? शनि वक्री आपने बोला आपका यहाँ पर बैठ गया, ठीक है ना। 8th हाउस में अच्छा 8th हाउस में बैठ गया मैम आपका शनि, तो वक्री मैम हो यहाँ गया। पर हाँ 8 हो गया, कहने का मतलब अभी जो बात चल रही है हमारी, मैं ये उससे बात कर रही हूँ। अगर जो हाँ आपने जुपिटर से गिनना है, तो वो हाउस प्लस साइन का आ जाएगा कि इस व्यक्ति का आपने लेना देना है। अभी जो बात आ रही है मेरी, इनके प्रति आ रही है। जी, हाउस के प्रति हाँ, अभी जो, अब आपका शनि आपने बोला यहाँ पर बैठा है, तो ये कर्मा जी किसके प्रति कहीं ना कहीं है हम लोगों का, ये दो घरों के प्रति। थर्ड
यहाँ के फल देगा, ये हम लोगों को यहाँ के फल देगा। अब यहाँ के फल सर अगर आप लोगों को अच्छे मिल रहे हैं तो इसके प्रति इसका मतलब ये है जो आपने गलतियां की थी आप उनको चुका रहे हैं। अगर इन्हीं के हाउस के प्रति जो आपके हाउस एक्टिव हो रखे हैं सर, जो हमने बोला गोचर में एक्टिव होंगे या प्रोग्रेशन में एक्टिव होंगे, इनसे रिलेटेड फल अगर आप लोगों को खराब मिल रहे हैं तो खराब के जिम्मेदार भी आप खुद हो। ये चीज है सर। अभी इसमें कोई डाउट तो प्लीज बोलिए, उसके बाद में आगे चलते। जैसे ये कैसे इसमें डिसाइड होगा कि ये अच्छे फल आएंगे बुरे आएंगे, ये इसका कोई रूल है? अच्छे फल आएंगे या बुरे फल आएंगे मैम इसका कोई रूल नहीं है। मैंने एक पौधा लगा दिया। अच्छा, मैंने का मतलब है आशुतोष सर से मैं गाली देकर बात कर रही हूँ, आपसे मैं प्यार से बात कर रही हूँ, कौन से वाला अच्छे से उभरेगा? जो आपके मतलब जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग उसके मिलेगा। हिसाब से चीज उभर जाए। ये वो पौधे, और ये हमारे हाथ में नाम अच्छे कर्म करना। जैसे हम आगे कुछ किसी का बुरा भी करते हैं अच्छा भी करते हैं, तो साथ साथ अच्छे कर रहे हैं तो अच्छा मिलता जाएगा। स्पेशली उन हाउस का ध्यान में रखना है जो हाउस आप लेकर चल रही है। जैसे मैम यही अभी आपने मरकरी वाला इसी में दिया, तो इसमें ही फर्स्ट हाउस पे जैसे जा रहा है तो फर्स्ट हाउस का इफेक्ट मिलेगा फर्स्ट मतलब। हाउस का हिसाब नहीं मिलने वाला, ये है कि मैं किसी के साथ में कैसा कर रही हूँ। अच्छा, वही वही थोड़ा ये मैं हो गई कंफ्यूजन ना कहीं, ये तो सीधी बात है, मैं हूँ और है। मैं कर्म में किसी के साथ में कैसा कर रही हूँ, ये वो वाली बात है। क्योंकि कर्म तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि 10th हाउस है, कर्म वही वही को लेकर मैं कैसी हूँ, ठीक है ना। कुछ भी अब कारक का तो उठाओ ना मैम, सीधे सीधे कारक किसके हैं? मरकरी के कारक उठा लीजिए। एजुकेशन होता है आपका मरकरी, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, फादर इन लॉ होता है, कैसी हूं मैं इनके प्लेनेट साथ। के कारक लेते हुए उसको ये वो चीज करें। मैंने शुरुआत में आपको बोली प्लेनेट के कारक पर, ठीक है। लेकिन जब ये वाला प्लेनेट वक्री हुआ, ये वाला प्लेनेट वक्री हुआ, ये वाला आपका वीनस वक्री हुआ, तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं फिर भी अच्छा है। लेकिन अच्छे के लिए शर्त यही है आप कर क्या रहे हो, अच्छा, ठीक है ना। कोई एक काम कर कर काफी अच्छा बना रहा है, कोई वही सेम चीज दूसरा बंदा कर रहा है नहीं अच्छा बना रहा, वो चीज है आपका वक्री प्लेनेट। वो प्लेनेट है जिनको पीछे से आवाज मारकर बुलाया गया है कि तुमने मेरा लेना है और दिया नहीं। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे सेटन 9th हाउस में बिल्कुल ठीक है सर, बोलिए। वो 1 डिग्री का है, वो रेट्रो हो गया, तो रिजल्ट्स कहाँ के ज्यादा देगा वो? सर बेशक 8 डिग्री का आपका प्लेनेट बैठा है यहाँ पर बैठकर रेट्रो नहीं, हो रहा 1 डिग्री, 1 डिग्री है, सेटन डिग्री इन 9th हाउस। 1 डिग्री का है ना सर, 1 डिग्री तो उसने कंप्लीट कर ही लिया ना सर, जी। कर ही लिया ना, मतलब इस घर में उसके बाद ही तो वो रेट्रो हुआ है। अगर बात करी जाए जी तो काटा तो है जी ना उसने, 1 साल लिया जी 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 सर, वही वाली बात है। फोर्थ हाउस के देगा फिर यहां से, है ना मैडम? वो तो सीधे मतलब अगर नहीं काटा ना वो एक अलग बात है हमारी, मतलब छू लिया इस डिग्री को, अब इस डिग्री को छूने के बाद वो निकला है फिर से छुएगा, ये वो चीज हमारी, अच्छा मैम, ठीक है। जैसे जैसे जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो कैसे होगा मैम? तो सर नहीं, नहीं लूंगी मैं यहाँ पर वो चीज ना, समझ गई मैं आपकी बात, ठीक है सर। हाँ रेट्रो के आगे सर, अगर कोई ग्रह उच्च अवसर, मैम हम लोगों को ये देखना है ये जो मेरे कर्मा की बैलेंसिंग है ये मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है या थोड़े टाइम पहले का ही है या कैसे है। अगर कोई भी प्लेनेट उच्च का होकर वक्री हुआ है तो सर अपने मतलब उच्च की राशि में, शनि हो गया 7 नंबर की राशि में, सूर्य हो गया 1 नंबर की राशि में, ये सब तो पता है वैसे आप लोगों को ना। यस सर, जी मैम। यदि कोई प्लेनेट उच्च का होकर वक्री हुआ है, पेंडिंग कर्मा ज्यादा पुराने नहीं है सर, इमीडिएट के ही कुछ गलतियां हुई थी जिस वजह से आवाज मारी गई है, ज्यादा पुराने पेंडिंग कर्मा नहीं है आपके, फ्रेंडली साइन में बैठकर कोई प्लेनेट वक्री हो रहा है। प्लेनेट कोई भी हो सकता है सर जो आपने लेना देना करना है, क्योंकि इनका कोई भी ग्रह यदि फ्रेंडली साइन में बैठकर वक्री हुआ है, 2-3 साल सॉरी 2-3 जन्म पुराने पेंडिंग कर्मा है, 2-3 जन्म हो गए हैं आप, अपने साइन में।
एनिमी साइन में बैठकर यदि कोई ग्रह रेट्रो हुआ है तो इसे अपना पेंडिंग कर्मा कंप्लीट करना ही करना है। बहुत पुराना कर्जा चल रहा है सर, ये काफी पुराना कर्जा है, कई जन्म लग गए हैं सर। और मैम अगर खुद की राशि में जैसे 10th में हो गया शनि, तो उनकी खुद की राशि में हुआ ना मैम वो? बिल्कुल हुआ ना मैम। तो उस हाँ, तो बात वही आ गई ना, कर्मा कहाँ के लिए हो गए हैं। मैंने अभी एक जुपिटर का हिसाब किताब बोला, वो दो व्यक्ति तो आपको पकड़ने ही पकड़ने हैं जब वो शनि से संबंधित बात है, और वो चीज वो हाउस आ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब ये कर्मा वो आते हैं अपना लेने के लिए, आती है वो चीजें अपने पास ना। अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेट वक्री है, उससे संबंधित रिलेटिव को हेल्थ इश्यू होगा। एग्जाम्पल के लिए शनि आपके चार्ट में वक्री है, तो शनि कौन हो गया है सर? आपका ताया, चाचा, बड़े भाई या आपके सर्वेंट बीमार रहते होंगे, आज ये है तो कल वो है, ये वाली बात है। और तो प्लेनेट कर लोगे सर, मंगल है तो हस्बैंड, वो ही बातें आ जाएंगी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं मैम? मैं एक बात खाली इसमें पूछनी थी कि इसमें ये मुझे बताइए, जैसे कि फादर वगैरह का देते, तो बायोलॉजिकल फादर भी किसी के होते हैं और किसी के बायोलॉजिकल नहीं होते, मतलब एक सेकंड हस्बैंड फादर होते हैं, तो इसमें क्या सेकंड फादर भी इसमें देखे जाते हैं कि मैम मैं बायोलॉजिकल बोलूंगी अगर यहाँ पर किसी को हम लोग फादर जो के बात रूप में देते? बात करेंगे, जो हमारे ब्लड रिलेटेड है उनकी बात कर रही हूँ मैम मैं। हाँ, इस तरीके से कई बार हम रिश्ते बांध लेते हैं कि मैंने तुम्हें अपना पिता मान लिया है, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों के चार्ट में मंगल वक्री हो गया मैम, आदमी तो हस्बैंड की तो बात करूंगी नहीं, छोटा भाई बोल रहा नहीं है, तो आपने जिसको भाई मान रखा है उसके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब अटैचमेंट के हिसाब से अगर मन नहीं मैम, जैसे क्या होता है कि भाई बायोलॉजिकल फादर नहीं है या फिर छूट गए हैं, मैं आजकल सेकंड मैरिज हो जाती है और वो मैं ना एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी ना एक बहुत अच्छी चीज बताने लगी हूँ, आपकी ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। सर, एक व्यक्ति आया मुझे बोल रहा है मुझे अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करनी है। अभी आपकी ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ। सर, ये व्यक्ति आया है बोल रहा है मुझे अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करनी है, क्या मैडम कर लूँ, सही रहेगी? तो सर मुझे बताइए, दोस्त हो गया ये हमारा, जी तो सर पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है यहाँ पर? राखी में अच्छा प्रीमियम, हाँ अच्छी रहेगी, सभी यही बोलोगे आप लोग। अभी इसको नहीं गिनना, हम इसको नहीं जानते हम लोग, ये दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति अलग है। अच्छा सर अच्छी रहेगी? यस मैम। आज से ना तू मेरा छोटा भाई है, अब अच्छी समझ में आ गई मैम बात रेट्रो की भी? यस सर। अब क्लियर हो गई होगी थ्योरी आप? जी ठीक है, यही बात है। छोटा भाई यानी अच्छा, मंगल आ गया, फिर केतु, तो आगे कौन मिल गया मैम? केतु केतु। मिल गया। वो क्या हो केतु गया मैम? अच्छा समझ में आई मेरी बात अब? हाँ जी, हाँ अगर उनको भी कहीं ना कहीं आपने मान लिया है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू रहेगा। ठीक है मैम, एलिमेंट के द्वारा वक्री प्लेनेट को कैसे देखा जाए? एलिमेंट के द्वारा वक्री प्लेनेट को कैसे देखा जाए? ये प्रवीण सर आप बोलिए, तरुण सर प्लीज मुझे बताइए क्या बोलेंगे। इवन और हाँ पेंडिंग जी करना प्लीज। में, इफ इट हाँ इज जी, एक्साल्टेशन इमीडिएट करना, फ्रेंडली साइन पे तो पास्ट टू लाइफ करना, इफ इट इज एनिमी साइन इट इज वेरी ओल्ड करना। हम लाइक वी कवर्ड 3 मैडम, व्हाट अबाउट वर्न राशि एंड डेब्यूटेशन मैडम? डोल्पिट की और डेप्यूटेशन की बात कर रहे हैं सर ये? यस मैडम तरुण सर प्लीज एक बार आप मुझे क्लियर कर दीजिए। अपनी राशि में हुआ और डेबिलिटेड हुआ तो मैम डेब्यूटेशन में हुआ तो फिर नीच क्या की होगा? राशि, मैम नीच की और राशि, स्वराशि में हुआ तो? प्लेनेट वक्री हुआ आप ऐसी बोल रहे हैं? हाँ, वक्री यस मैडम। प्लेनेट व्हाट अगर अबाउट द अपनी ही पेंडिंग राशि कर्मा में मैडम? है, अपनी ही राशि में है और मैं नीच समझ का गई हो सर। गया। एग्जाम्पल के लिए 10 नंबर की राशि में हम लोगों का गुरु वक्री होते हैं, और यहीं पर ही हम लोगों का शनि बैठा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं मंगल?
ऐसा भी बोल सकते हैं प्रवीण सर हम लोग, जो आप बोलना चाह रहे हैं तो नो मैडम, व्हाट अबाउट द पेंडिंग कर्मा मैडम, कितना पेंडिंग कर्मा होता है? हाँ मैं समझ गई, मतलब प्लेनेट को इसी तरीके से आप बोलना चाह रहे हैं मुझे। यस मैडम, यस मैडम। तो अगर सर इसके पेंडिंग कर्मा की अगर हम लोग बात करी जाए, ये जुपिटर काफी टाइम से हमारा यहाँ पर आ रहा है सर, ओके तो ये पुराना है, ये काफी पुराना है हम लोगों का। ओके अगर ये बात करी जाए ना सर, ये अपने घर में ही आ गया, तो ये कितना हो गया, 2-3 जन्म हो गए हैं हमारे। ये हम लोगों का इमीडिएट कर्म है, कहीं ना कहीं जो मैंने एक पहली लैंग्वेज लिखवाई, ये अभी का ही है, तुरंत अभी आवाज मारी गई इस रूम में किसी ने, ये तुरंत आवाज मारी गई है सर। ये 2-3 जन्म की बात, ये 2-3 जन्म की बात हो रही है, ये सर काफी पुराना चल रहा है मेरा, ओके मैडम, ठीक है। इज देयर एनी इंपॉर्टेंस फॉर कंबस्ट प्लैनेट टुडे? कंबस्ट का एक छोटा सा चैप्टर है, मैं आगे लूंगी, ओके वैसे मैडम, इसमें काम नहीं आता लेकिन फिर भी मैं लूंगी सर, छोटा सा चैप्टर है ओके कंबस्ट का, मैडम, कोई प्लैनेट यदि अस्त हो जाता है। नहीं अस्त भी हो और वक्री भी हो, दोनों अस्त हो। मैम अभी फिलहाल मैं इधर वक्री की ही बात करूंगी, काम यही है, काम ठीक यही है उसका, किसी डिग्री पर बैठकर ही तो वक्री हुआ है, तो वक्री में मिलेगा तो सही वैसी वैसी, ठीक है। यदि कोई प्लेनेट हम लोगों का एलिमेंट, तो सर ये जो एलिमेंट है हम लोगों का फायर एलिमेंट है। अब सर फायर क्या क्रिएट करती है वैसे? फायर एनर्जी क्या, बिल्कुल सही है सर, फायर हो गया सर। ये जब ये फायर है हम लोगों का, तो सर ये क्रिएटिविटी भी है हम लोगों की कहीं ना कहीं पर, ठीक जी, है। और क्या है सर, हम लोगों का डिजायर, पाना है मतलब पाना है। ओके अब सर इसी राशि में बैठकर हम लोगों का यदि मरकरी वक्री हो गया है, तो सर किस चीज को पाने की लालसा है व्यक्ति को, यहाँ पर क्या चीज के प्रति अपनी डिजायर पूरी करनी है, दोनों को जोड़ना है ना, डिजायर को अपनी कंप्लीट क्रिएटिविटी होगी, किस चीज को लेकर सर, एजुकेशन को लेकर, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। आप लोगों का ध्यान ना पहले वहीं पर जरूर जाता है। एजुकेशन बिल्कुल, भी तो बोल सकते हो, एजुकेशन, पढ़ाई बिजनेस, है, व्यापार भी हो पढ़ाई सकता हो है ना मैम, सकता है, बिजनेस। उस चीज को लेकर एक क्रिएटिविटी होगी सर, हाँ ये राम पैसा बनाने के पीछे। हाँ सर, डिजायर राम जी मैम, किस चीज को क्रिएट, एक किस चीज को क्रिएट करने की डिजायर है यहाँ पर, पैसों को मैम, क्योंकि पैसे की फायर है ना, क्रिएट करती है ना किसी भी चीज को, जी, इस वजह से। जुपिटर यदि वक्री हो गया है, तो सर टीचिंग प्रीचिंग, जिसे आप थोड़ा बाबा भी बोल सकते हैं मैम, ज्ञानी बाबा बाबा बाबा, मैम, ज्ञानी बाबा बनना है। हाँ ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। पब्लिक रिलेशन, क्योंकि जुपिटर है ना सर हमारा, सैटर्न है, तो किस चीज को लेकर है मैम हमारा, प्रोफेशन, बिल्कुल ठीक है मैम, बस या एज नहीं आएगी मैम, सैटर्न है तो एज को लेके अपनी बोल लाइफ सकते एज हैं, बोल सकते हैं। नहीं मतलब देखो एक चीज है वैसे, उसको ना क्रिएट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर आएगी। क्रिएट किया जा रहा है। एज क्रिएट नहीं हो सकती, जितनी उसने लिख दी ना लिख दी, हम कोई वो नहीं है कि भाई हम किसी की एज को भी वो चीज कर देंगे, मैम लेबर भी तो हो सकती है ना मैम, मैम शनि है तो लेबर के हाँ, कि लिए। भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो, ये वाली बात हो सकती है मैम आयु बढ़ाने के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए वो ध्यान ज्यादा रखेगा ना, अगर बॉडी फिट रहेगी उसके लिए तभी तो आगे हो सकता है, चलेगा। आप ऐसा बोल सकते हो कहीं ना कहीं, अपने रूटीन का काफी ज्यादा वो होता होगा, इस हाँ ये तरीके से भी बोल सकते हो, देखो है ना। यदि अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट में यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, अब आप इसको जोड़ते रहना, अर्थ एलिमेंट में यदि कोई प्लेनेट बैठा है, तो सर अर्थ एलिमेंट हम लोगों का क्या है सर, मेटीरियलिस्टिक है, इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि मेटीरियलिस्टिक बन जाता है मैम कहीं ना कहीं हम लोगों का, दूसरा भी, छठा भी, जी, दसवा भी, स्टेबिलिटी है, ठहराव है, दृढ़ निश्चय है, सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, धन्यवाद। हाँ सर बिल्कुल धैर्य, ऐसा ही बोलेंगे। किस चीज के कारक तत्व को लेकर सर वो प्लेनेट, आप लोगों को कारक उसके पता ही है, उसके व्यक्ति भी आप लोगों को पता। सेम 3, 7, 11 सर, ये क्या है हम लोगों का, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सर अगर बात करी जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
तो ये उसी से ही कहीं ना कहीं आपका लिंक बन जाए। ये काम से रिलेटेड बिल्कुल इंटेलिजेंस दिखाएगा सर, व्यक्ति ने कुछ भी काम भी किया कर्मा करना, तो वहां इंटेलिजेंस की जरूरत। अगर सैटर्न इसमें बैठा हुआ है हम लोगों का, तो सर किस चीज में अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहा है? अपने काम धंधे में। मरकरी है तो अपनी एजुकेशन या बिजनेस में, ठीक है ना, उन चीजों में अपनी इंटेलिजेंस दिखाए। वीनस है तो पैसा बनाने में, वाइफ के साथ बातें करने में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस दिखाएगा, बेचारा कहीं चला गया, ठीक है सर बात भी है बताओ ना ना, सर। सर भी है ना, हवाबाजी में भी इस्तेमाल करेगा, वायु वायु तत्व है। वायु का सर, अगर राहु भी साथ में जुड़ जाए फिर तो पक्का ही वाली बात आ जाती है। हाँ, बिल्कुल मैम, 4, 8, 12 सर, जयपुर इमोशनल वोटर, जिस ग्रह का जैसा टेम्परामेंट है, जिस ग्रह का जैसा टेम्परामेंट है उस तरीके से व्यवहार करेगा। मैम अगर मंगल जैसा प्लेनेट कैसा हो गया तो उसका टेम्परामेंट कैसा हो गया मैम? ठंडा पड़ेगा। सर कहीं ना कहीं इमोशनल होगा, गुस्सा निकालते निकालते रोनी पड़ते हैं कई लोग सर, हाँ वो ठंडा हो जाएगा एकदम, मतलब कहीं ना इमोशनल। कहीं वो मतलब जिस ग्रह का जैसा हिसाब किताब होगा ना, जैसा उसकी प्रवृत्ति है उस तरीके से ग्रह का हिसाब किताब। ठीक है मैम, अभी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करो। ये वक्री का चैप्टर सर हम लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है, मैम इसमें मंगल कोई चार्ट बारे में तो इमोशनल होगा, भाई के प्रति ऐसे बोलेंगे, मंगल का कारक क्या? अग्रेसिव होता है। अच्छा अग्रेसिव मैम, अग्रेसिव होते हैं ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है, रोने भी लग जाते हैं, इमोशनल भी हो रोने जाते में, क्योंकि गुस्सा करते करते हाँ रोने कहीं लगते ना कहीं हैं। वो चीजें हो जाती हैं इन लोगों में। जिस ग्रह का जैसा टेम्परामेंट है उस तरीके से 4, 8, 12 में आकर काम करने वाला है। किया काम फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, इस तरीके वाली बात हम लोगों की आ जाती है। ठीक सब झगड़ा है भी ना, के बाद में व्यवहार सॉरी, उनका दोबारा बोलना झगड़ा मैम, के बाद में सॉरी बोला, बोल सकते हो मैम। ये कई बार तो फिर उस चीज को लेकर रोना सा आ जाना, क्यों इस तरीके की बात हो गई मुझसे, मैं करना नहीं चाहता था ये फिर भी ऐसा हो गया, एक ऐसे वाली बात आप बोल सकते हैं। मतलब पछतावा इस हो तरीके जाता है। की मैम, इस नंबर की राशि में ये जो बैठे रहेंगे ग्रह उसके लिए ना मैम। वक्री ग्रह की बात बोली है हमने। हाँ, इस हाँ राशि में बैठकर उसका ऐसा ओके टेम्परामेंट होगा, ये वो वाली बात, ठीक ओके मैम, है, ये चीज। मैम मेरे ख्याल से डिटेल में वक्री ग्रह के बारे में शायद इतना हमने डिटेल में कभी नहीं पढ़ा ये सब जितना पूरा बकरी हमने। का आपके पास आ गया, एलिमेंट के द्वारा भी आ गया सर आप लोगों के पास में, कई जी चीजें आ मैम, गई। ठीक है सर, ये किसी 12वीं राशि में वक्री हो तो उसके लिए मतलब कैसे बोलेंगे नहीं कौन बकरी है 12वीं राशि में, पहले तो ये बताइए। मैम? शुक्र वाइफ शुक्र के लिए होगा। तो ये वाइफ है, अगर ये स्वयं का लड़की का चार्ट है तो ये अपने पैसों को लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल है, पैसा नहीं होता तो रोने लग जाती है अगर ये लड़की है तो। कई बार ठीक पैसों को लेकर गुस्सा भी आ जाता है और कई बार रोने भी लग जाते हैं, इस तरीके के होते हैं सर, जिसका भी वीनस 4 नंबर की राशि में होगा। पैसों की वजह से कोई चीज रुक गई या नहीं आ रहा तो सर कई बार रोना भी आ जाता है, है मैम, और ऐसे में तो हम बोलते भी यही है, अगर रोना आ रहा है ना तो रो लो, जब भी पैसा आएगा। ये भी कह सकते हैं पैसा भी खर्च कर दिए इमोशनल के चक्कर में, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो मैम, ठीक है ना, इमोशनल उसमें की भी कई बार हो जाता है। ट्वेल्थ मैम नंबर 12th हाउस में बैठ गए इस वजह से खर्चे के में। ओके देखो, हमने हाउस यहाँ छेड़ा ही नहीं, इन्होंने बोला कि इसमें सीधा आपका साइन, ये बोला इन्होंने। इसमें मैम अगर आपका पिछला चैप्टर भी ऐड करते हैं, पिछले हाउस का भी कर्मा बाकी है तो 11th हाउस हो गया, तो पता है एम्बिशंस बाकी थे। देखो ऐड करने को तो फिर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, है ना सर, तो बस वही वाली जी बात है फिर उनको, कहीं ना कहीं वो ट्राइंग बनना वो वाली बात है। प्रवीण सर आप बोल जी दीजिए। मैडम, इफ एनी प्लैनेट इज एक्सचेंज हाँ, वो वहां भी काम करता है मैडम। काम तो करेगा सर, लेकिन कब काम करेगा, एक्सचेंज की बात सर आफ्टर 30। ओके हाँ ठीक बोलिए। है हाँ ये चीज़। मैम, किसी का छठी राशि में बुध वक्री है,
नंबर की राशि में मरकरी वक्री है मैम। अब ये क्या है मरकरी, देखा जाए तो हम लोगों का बिजनेस है, बिजनेस है तो बिजनेस में एक स्टेबिलिटी ठहराव दिखाता है। ठीक है ये चीज मटीरियलिस्टिक है ना, अपने बिजनेस को लेकर ज्यादा वो करता है ये। चल रहा था ठीक है, अब क्या करना आगे बढ़ाना ये कह सकते हैं नहीं मैम देखो नहीं, इस चीज को लेकर चाहत बहुत है, मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, 2, 6, 10 मैटेरियलिस्टिक हो गया है कहीं ना कहीं यहाँ पर। अब इस चीज को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से आगे जाए और क्योंकि मैटेरियलिस्टिक बन रहा है ना मैम। ठहराव ठहराव कैसे, अब इस प्लेनेट का कोई ना कोई ना कारक होगा, इस प्लेनेट का जो कारक होता है ना आप लोगों का बुआ बहन बेटी होती है जी, कहीं ना कहीं उनमें पेशेंस लेवल अच्छा होगा। ओके बिजनेस में अगर ये बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर थोड़ी सी एक दिक्कत भी आई ना ठीक है चल आगे कर लेंगे, ये वो ठहराव है, ठीक ये वो ठहराव है ठीक है। अच्छा 11 का सपोर्ट लेना पड़ेगा मैम, करते तो बिजनेस की इच्छा है तो बिजनेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे मैम, जॉब करते हैं वैसे तो। मैम जॉब नहीं मैम देखो ये चीज वो नहीं है कि भी आप बिजनेस कर लेंगे, ये वो बात नहीं है, हम लोगों की बिजनेस करना है वैसे करना है वो फिर चार्ट पे अलग से देखो आप, ये सिर्फ हम लोगों को प्लेनेट के कारक तत्व के बारे में बता रहा है ठीक है ना ये चीज। ये किरण मैम आप बोलना मैम जस्ट 6 में ये हुआ है ठहराव कह रहे हैं तो मैम ये तो अच्छा हो गया ना मैम अच्छा बिजनेस हो गया के कहीं ना लिए। कहीं, लेकिन मैम ये भी तो देखो ना ठहराव है ठीक है सब चीज सही है हम लोगों की, लेकिन 2, 6, 10 में कहीं ना कहीं ना वो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गया उन चीजों को लेकर ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक सबर भी है अगर आप समझ पेशेंस मतलब वो भी है कहीं ना कहीं, लेकिन भाई जाना है उसने मटेरियल वो चल अभी चुपचाप से बैठ फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ये वो वाले व्यक्ति है, ये यूनिक ही मुंह पे भांडा फोड़ दे ये वो व्यक्ति नहीं है, हाँ यस मैम बैठेंगे गंभीर चुपचाप सर ये चुपचाप बैठेंगे अभी देखते हैं अभी देखते हैं, अब वो अब कर दिया सामने वाला व्यक्ति बेचारा देखता रह गया, ये मुझे बताएगा अपना मौके पे चौका वाले लोग हैं सर गंभीर गंभीर इंसान जिसको आप थोड़ा सा गुन्ना नहीं बोलते हैं दो तो इसमें यदि छः अगर सर ये भी बैठ जाता है ना तो कहीं ना कहीं बातें छिपा जाता थोड़ा पेशेंस हो जाता है इसमें, क्योंकि 2, 6, 10 है एक ठहराव है तो जीव में क्या है थोड़ा देखो पेशेंस तो है, बाकी की और चीजें प्लेनेट और भी तो जुड़े हुए हैं सर, प्लेनेट ठीक भी तो अपना कारक करेंगे, सहता है सहता है, अब किस दिन पूरा वो होगा ना अगर और कोई प्लेनेट साथ में बैठ गया या वैसे कुछ हो गया तो पूरा ही निकलता है, जीव बैठ गया ना देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों का ठहराव हो गया ये चीज। मैम जैसे कुछ हॉरोस्कोप ऐसे भी आते हैं जहाँ पे सन और मून को छोड़ दें और बाकी बचे हुए सारे ही प्लैनेट रेट्रो में चले जाते हैं, उसमें क्या मतलब चीजें लगे रहना लगे तो कभी अच्छा तो कभी काफी रिसेंटली बेकार, अभी 4-5 दिन पहले हॉरोस्कोप हमारे पास थे उसमें 6 प्लैनेट रेट्रो थे। सर तो कभी चीजें अच्छी चल रही है लाइफ में कभी ऐसा ही हो जाता है, मेरे साथ तो चलता ही यही रहता है, कभी तो बहुत अच्छा चलेगा कभी तो बहुत वो उससे चलेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को जो चीज आ जाती है सर आशुतोष सर जो आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी प्रोग्रेशन, कौन सा यस प्लेनेट ज्यादा मेरा एक्टिव है उस समय एक रिजल्ट को सर देने के लिए, लेकिन इससे जब सर जो आपने बात बोली है ना कि कई सारे प्लेनेट जैसे एक्टिव हो जाते हैं, माना सर कि ये सैटर्न एक्टिव हो गया सर इसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, माना किसी के चार्ट में मंगल रेट्रो है ये दोनों की प्रवृत्ति ना अच्छी नहीं है, अब देखा मैंने कि मेरे किसी प्लेनेट ने आकर ना इनको एक्टिव कर दिया तो सर वो हाउस भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया इससे वो, तो उस हाउस के प्रति कहीं ना कहीं अगर एक इसका एस्पेक्ट आ गया ना सर तो कहीं ना कहीं एक राहत आ रही होगी, यदि वही मैलेफिक ही मिलते हुए जा रहे हैं, या सर देखो ये पूरे साल तो राहत नहीं दे सकता, पूरे साल में आप जी देखो आपका सूर्य भी कहीं ना कहीं पर आएगा ठीक है वो एक क्रूर ग्रह है, आपका मंगल तो आएगा ही आएगा सर, तो जी वो कहीं ना कहीं उस चीज में थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा सर। हाँ ये चीज जी मैम दशाएं भी तो चलती है ना मैम इन प्लांट्स की। बिल्कुल चलती है मैम, अब जब दशाएं हम लोगों को चल रही है तो मैंने मेरे ख्याल से दशाओं का आपको करवाया था छोटा सा हिंट दिया था ना कि भी किस तरीके से हम लोगों को दशा का देखना है सर, मैंने बताया था
नहीं मैडम अपनी क्लास में नहीं, आगे आगे आ जाएगा। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर किसी ने देख ली होगी मैं बता दूंगी, कुछ नहीं होता। ठीक है सर, ये हुआ हमारा इसका। अगली बार प्रोग्रेशन का चैप्टर हमारा स्टार्ट है, पहले हम लोग एक्टिवेशन करेंगे, उसमें ट्रांजिट को मिक्स करेंगे, फिर हम लोग डिग्री वाली चीजों पर जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है मैम, फिर थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।